नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको सांभर पाउडर बनाने का तरीका बतलाऊंगी। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, साउथ के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके से सांभर पाउडर तैयार करते हैं। चलिए, मैं आपको सांभर पाउडर बनाना बतलाते बतलाते वो भी बतलाऊंगी कौन से क्षेत्र, कौन से प्रदेश में सांभर पाउडर बनाने के समय क्या डालते हैं। तो चलिए बनाने का तरीका दिखलाती हूँ। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें एक कप धनिया पाउडर डालेंगे। मैं आपको रेशियो बतला दे रही हूँ। एक कप धनिया पाउडर लेंगे और इसे थोड़ा भूनेंगे। बिल्कुल सीम आंच पर धीरे धीरे हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसे बिल्कुल सीम आंच पर हम भूनेंगे। ये अच्छी तरह से भून गया है, हम इसे निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में डालेंगे मेथी। अगर एक कप धनिया लिया है तो उसमें हम एक चम्मच मेथी लेंगे, एक बड़ा चम्मच, और इसे भी थोड़ा भूनेंगे। मेथी के साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच ब्लैक पेपर डालती हूँ, क्योंकि ब्लैक पेपर को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इसके साथ भून लेंगे। जब थोड़ा मेथी भून जाए, निकालने के जस्ट पहले थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालकर और हम इसे भूनकर निकाल लेंगे। इसे निकाल लेना है। अब हम कढ़ाई में लाल मिर्च डालेंगे। जितना क्वांटिटी हम धनिया लेते हैं, सेम क्वांटिटी लाल मिर्च लेते हैं। ये लाल मिर्च मीडियम तीखा है। सांभर पाउडर बनाने में थोड़ा मीडियम तीखा लाल मिर्च लेते हैं, और जब सांभर बनाते हैं तो जिनको ज्यादा तीखा खाना होता है तो वो सांभर में थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं, तो सांभर बराबर तीखा बन जाता है। इसे भी हम भून लेंगे, लेकिन मिर्ची और धनिया का क्वांटिटी सेम होना चाहिए। ये लाल मिर्च भी भून चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। तो सांभर का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो होता है धनिया, मेथी और मिर्ची। अब इसमें जो चीज मैं डालने जा रही हूँ वो अलग अलग प्रदेशों में अपने मन मुताबिक डाला जाता है, और वो सिर्फ सांभर को थिक करने के लिए डाला जाता है। जैसे मैं इसमें एक बड़ा चम्मच चना दाल डाल रही हूँ, साथ में मैं इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ। जैसे ही चना दाल थोड़ा भूनने लग जाता है, इसमें हम तूर दाल डाल देते हैं, साथ ही साथ थोड़ा उड़द भी डाल देते हैं, और इन सब को थोड़ा सा सुनहरा होने तक भून लेंगे। अब कुछ लोग इसमें चावल भी डालते हैं। ये सब चीज सांभर को थिक करने के लिए डाला जाता है, थोड़ा सांभर इससे गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। जब तक और सब चीज भून रहा है, हम मिर्ची के डंठल को तोड़कर निकाल लेंगे। सभी चीज खूब अच्छी तरह से सुनहरा हो चुका है। अब इन सब को हम निकाल लेंगे, निकाल कर और इसमें मिक्स कर देंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग, कम से कम 1/4 चम्मच से हाफ चम्मच। मैं सभी चीजों की क्वांटिटी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खूब अच्छी तरह से डाल दूंगी, आप सब उसे देख सकते हैं। अब इन सभी चीजों को हमें ठंडा होने देना है। सांभर पाउडर अलग अलग साउथ के प्रदेशों में अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। अब आप केरला चले जाएं, वहाँ नारियल बहुत ज्यादा होता है, तो वो लोग सांभर पाउडर बनाने में नारियल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें कच्चा नारियल नहीं, सूखा नारियल डालते हैं। और खासकर वो लोग इंस्टेंट जब पाउडर तैयार करते हैं तुरंत का तुरंत डालने के लिए, तो नारियल डालते हैं। नारियल को भी थोड़ा भून लेते हैं इन्हीं सब चीजों के साथ और डालते हैं, लेकिन वहाँ फिर सारे दाल वगैरह जरूरी नहीं होता डालना, वो लोग अपने शौक के अनुसार नारियल भून कर डालते हैं। वो लोग नारियल बहुत ज्यादा खाते हैं।
लेकिन तमिलनाडु में इन सब चीजों से सांबर पाउडर बनाया जाता है। सभी चीजों को मैंने ठंडा कर लिया है। अब सूखा पीसने वाला ब्लेड पॉट में लगा लेंगे और सभी चीजों को पॉट में डालकर अब इसके बारीक पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर को हम किसी भी पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इसे डब्बे में भरने में आसानी हो। इस तरह से डब्बे में भरकर और रख देंगे। अब ये जो सांभर पाउडर तैयार किया गया है ये बहुत सारी रेसिपी में काम आता है। बहुत तरह तरह के सांभर तैयार किए जाते हैं। एक सिंपल सांभर नहीं होता है कि सब सब्जियों को डालकर दाल को डाल करके बनाते हैं। अलग अलग तरीके से सांभर तैयार किया जाता है। तो इस तरह से सांभर पाउडर तैयार करते हैं। बस अलग अलग प्रदेशों में इसमें थोड़ा सा कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ घटा देते हैं, अपने अपने क्षेत्रों के मुताबिक। अगर कोई लोग इंस्टेंट सांभर पाउडर तैयार करते हैं तो सब कुछ इन सब चीजों के साथ, जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं इसमें थोड़ा सा प्याज भी डाल देते हैं, लहसुन भी डाल देते हैं, हल्का सा भूनकर इसमें डाल देते हैं, कड़ी पत्ता डाल देते हैं, तो उस तरह से बनाते हैं। जहां नारियल ज्यादा होता है थोड़ा इसमें नारियल भूनकर डाल देते हैं। तो इस तरह से अपने अपने क्षेत्र और प्रदेश के टेस्ट के अनुसार, वहां जो चीज मिलता है उसके अनुसार सांभर तैयार करते हैं। आप भी इस तरह से सांभर पाउडर तैयार करके देखें। मैं सब्जियों वाला सांभर तैयार करके आप सबको जरूर दिखलाऊंगी। वीडियो पसंद आती है लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।